I was shooting my video and suddenly someone came and he said कि यहाँ पर video shoot करना allowed नहीं है. Hello guys, this is Pradeep Sharma and you are watching my YouTube channel Be the Change. Today is 8th of October 2019 and right now I am in my hometown. नवरात्रे का समय चल रहा था, नवरात्रे स्थापना थी, घर पे पूजा थी, सो मुझे जयपुर से यहाँ आना पड़ा. बीच में थोड़ा सा ब्रेक हो गया, पार्ट टू आपने देखा ही होगा. और इस जगह का जो नाम है उसे कहा जाता है ढाई दिन का झोपड़ा. इसके पीछे कई कहानियां हैं कि इसे ढाई दिन का झोपड़ा क्यों बोला जाता है. मैंने इसके बारे में थोड़ी सी रिसर्च करी और मुझे जानने को मिला कि इसे ढाई दिन का झोपड़ा इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ ढाई दिन का मेला लगता है. इसे ढाई दिन का झोपड़ा इसलिए भी कहा जाता है कि आई वॉज शूटिंग माई वीडियो एंड सडनली समवन केम एंड ही सेड कि यहाँ पर वीडियो शूट करना अलाउड नहीं है. दिल्ली से परमिशन लेके आनी पड़ती है, नगर निगम से लेके आनी पड़ती है. मैं उनके पास गया, मैंने उनको बताया मैं यूट्यूब चैनल से हूँ और मैं उल्टा इस जगह के बारे में मैं लोगों को बता रहा हूँ, जानकारी दे रहा हूँ, इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, लोगों को दिखा रहा हूँ. इससे यहाँ पर लोग आएंगे, इनके लिए ही फ़ायदा है यार, आसपास के लोगों के लिए फ़ायदा है, शॉप चलेंगे तो सब होगा. वो मुझे बोलने लगे कि नहीं, आपको दिल्ली से परमिशन लानी पड़ेगी, यहाँ पर ऐसा नहीं होता है. मैं ऐसा कोई इशू जनरेट नहीं करना चाहता, बस यार ऐसी जगह तो एटलीस्ट ओपन होनी चाहिए, सब कुछ ना कुछ क्रिएटिव बना सकें, लोगों को जानकारी दे सकें. अब मतलब फ़ोन से रिकॉर्ड करना कुछ गलत नहीं है, बट इससे रिकॉर्ड करना गलत है, मुझे चीज़ें समझ नहीं आई है. सो आगे का वीडियो मैं वॉइस ओवर में दूंगा विद माय फ़ोन. सो ढाई दिन के झोपड़े को तरह तरह के रीज़नों से जाना जाता है. कुछ लोग इसके बारे में ऐसा कहते हैं कि इधर ढाई दिन का मेला लगता है इसीलिए इस जगह को ढाई दिन का झोपड़ा कहा जाता है. कुछ लोग इसके बारे में ऐसा कहते हैं यहाँ पर ढाई पिलर लगे हुए हैं इस वजह से इसको ढाई दिन का झोपड़ा कहा जाता है. कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि इसे ढाई दिन में बनाया गया था इसलिए इसको ढाई दिन का झोपड़ा कहते हैं. मैं इन ढाई पिलरों की बात कर रहा था, अगर आप देख सकते हो ध्यान से देखिएगा, एक और वो दो और वो आधा, तो ये ढाई पिलर्स के बारे में मैंने बताया था. तो जो इस पर नक्काशी हो रखी है और कलमे लिखे गए हैं वो उर्दू में लिखे गए हैं. मैं आपको कुछ बता रहा था, कलमे लिखे हुए हैं वो इनके बारे में मैं आपको बताना चाह रहा था. इनकी जो नक्काशी है बाकायदा काफ़ी मजबूत पत्थरों से करी गई है. अढ़ाई दिन का झोपड़ा, इस जगह को कई नाम दिए गए हैं जैसा अढ़ाई दिन का झोपड़ा या ढाई दिन की मस्जिद. ऐसा कुछ बड़े बुजुर्गों से सुनने में आया है कि ये मंदिर को मस्जिद में कन्वर्ट करने में दो दिन और आधा दिन लगा था. उर्स का जो मेला है वो यहाँ ढाई दिन के लिए ही लगता है और शायद इसीलिए इसका नाम ढाई दिन का झोपड़ा रखा गया. ये मस्जिद अजमेर शहर के बीचों बीच स्थित है. इसकी उम्र 820 साल की है और ऐसा माना जाता है कि इस जगह पर एक संस्कृत विद्यालय जिसका नाम सरस्वती कंठाभरण महाविद्यालय था और यहाँ एक विष्णु मंदिर भी हुआ करता था जो कि विशाल देव चौहान ने बनवाया था. मंदिर को मस्जिद में कन्वर्ट करने का काम कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था. पृथ्वीराज चौहान को हराकर मोहम्मद गौरी ने अजमेर शहर में मंदिरों को देखकर अपने स्लेव्स के जनरल कुतुबुद्दीन को उनको तबाह करके उनको मॉस्क्यू में कन्वर्ट करने को कहा.
वो भी केवल 60 घंटों में या कहें 2.5 दिन में। मगर 60 घंटों में वो उसको पूरा नहीं कर पाए, मगर बाय द एंड ऑफ द सेंचुरी उसे बाकी बचा हुआ बना दिया गया। और शायद कहीं ना कहीं इसी कारण से ये कुछ कुछ जगहों पर देखने में अधूरा लगता है, और कुछ जगह हिंदू मंदिरों जैसी इसमें चीज़ें दिखती हैं, और कुछ जगहों से ये मस्जिद जैसा लगता है। क्योंकि पहले ये एक संस्कृत विद्यालय और मंदिर हुआ करता था, तो आज भी यहाँ के पिलर और दीवारों पर सरस्वती देवी और स्वास्तिक देखने को मिलते हैं। ऐसा कहा जाता है कि इस जगह पर ख्वाजा गरीब नवाजी ने 37 साल नमाज पढ़ी थी। और आजकल के आशिकों का नाम लिखना ना मुझे हरमाड़ा फोर्ट में समझ आया और ना यहाँ पर। हम किसी भी जगह के रूल्स एंड रेगुलेशन को डिसओबे नहीं कर सकते। जो परमिशन लेनी होती है वो परमिशन उन लोगों को लेनी होती है जो न्यूज़पेपर से हों या किसी टीवी चैनल से हों, क्योंकि मे भी उन लोगों की बातों का कोई त्रुक नहीं होता। मगर मैं पूरी अपना होमवर्क करके गया था और एक अच्छे माइंडसेट के साथ गया था। मेरा किसी भी कास्ट या किसी भी उसको लेकर के कोई टारगेट नहीं था। मैंने जो भी मेरा काम किया मैंने एक अच्छे पर्पज़ से किया है, और जितना भी मैंने इस वीडियो में बातें बोली हैं वो या तो मैंने किसी सोर्स से ली हैं या मैंने वहाँ पर जो शख्स था जिसने मुझे रोका उससे नॉलेज गेन करके ली है। तो मेरा जो मोटो था इस वीडियो को बनाने का वो केवल इतना था कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इन्फॉर्मेशन पहुँचाऊँ। स्टेशन से लगभग कोई भी आप ऑटो करके जाएंगे तो वहाँ तक जा सकते हैं। दरगाह बाज़ार में ही पड़ता है, बाय ऑटो या बाय बैटरी वाला रिक्शा ऐसी चीज़ें करके वहाँ तक जा सकते हैं। वहाँ पे कोई टिकट वगैरह नहीं लगता है। आगे आने वाले टाइम में मैं काफ़ी प्लेसेस कवर करूँगा। मेरा मेन मोटिव व्लॉग्स का ही है, मैं व्लॉग्स ही करूँगा। लाइक ये जो वीडियो बना ये थोड़ा सा एक्सेप्शन था, रीज़न आपके सामने है। और व्लॉग्स से मैं अलग नहीं जाना चाहता, बट मैं मेरे व्लॉग्स के थ्रू आप लोगों को काफ़ी इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ। तो इंडिया इज़ जस्ट नॉट अ वर्ड, इंडिया कई रंगों से मिलके बना है यार। कई इधर बहुत बड़ा इतिहास रचा गया है, इधर बहुत कुछ हुआ है। तो मैं कोशिश करूँगा आपको उन चीज़ों से रूबरू करवाऊँ। इस वीडियो में टाइम लैप्स सिनेमेटिक शॉट्स काफ़ी कम रहे हैं, उसका रीज़न फिर से मैं आपको बताना चाहूँगा कि वही एक रीज़न था जिस वजह से मैं काफ़ी चीज़ें नहीं कर पाया हूँ जो माइंड में सोच करके गया था। स्टिल जो इन्फॉर्मेशन थी, जो मेरा मोटो था इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना, वो मैंने किया है और ऐसा ही मैं आगे भी करूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज, एंड प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर माई वीडियो। India is not just a word. Kabutar, sorry, tota.